हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर का जो लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले वो क्वेश्चन को बनाएंगे जो पिछले क्लास में आपको दिया गया था। कह रहा है क्या कि इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिख, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिख। यूनिट वेक्टर किसको कहा जाता है? तो जिसका मैग्नीट्यूड वन। तो सोचे तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते तो अंडर रूट टू ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर यानी रूट नाइन हो गया। उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता? थ्री, है ना? मैग्नीट्यूड थ्री हो जाता। तो कहा जा रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर लिख। देखो अब जो बात समझा रहे, ध्यान से सुनना। देखो कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो ना, तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कोई है वेक्टर 5i, कोई पूछे इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो सोचो इसका मैग्नीट्यूड 5 है ना, तो 5 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 5 कट जाएगा, आई बचेगा, तो आई यूनिट वेक्टर का काम करेगा कि नहीं? यानी हम लोग यही सीखे कि कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तब उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यूनिट वेक्टर ऑफ ए, देखो यूनिट वेक्टर का यही सिंबल है, ऐसे कैप दे देना, इसका मतलब बात यूनिट वेक्टर का हो रहा है। तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर ए क्या है जी? तो 2i प्लस जे प्लस 2 और मैग्नीट्यूड 2a² प्लस 1a² प्लस 2a². ये क्या है जी? ये 9 ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3, यानी 1/3 2i प्लस जे प्लस 2। बस आंसर हो गया। आप चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3i 1/3j प्लस 2/3k। इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो देखेंगे 1 आएगा, ठीक ना? इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके देखेंगे तो देख लो 2/3 स्क्वायर करेंगे 4/9, 1/3 स्क्वायर 1/9, 4/9 कितना हो गया जी? 9/9। आंसर कितना हो गया? 1। देखो तो अब ये यूनिट वेक्टर में बदल गया कि नहीं? यानी कि कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम लोग क्या सीखे कि उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक? अब जैसे देख, अब इसी क्वेश्चन को बस लिखने, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में पूछने का कोशिश करेगा तो किस किस तरह से पूछ सकता। जैसे वेक्टर ए है 3i प्लस 4j, बी है मान लो -i प्लस 2j, वेक्टर सी है सपोज करो सी जो है वो 2i प्लस j माइनस 2k, है ना? क्वेश्चन में कह दिया राइट यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इस तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, तो सबसे पहले जो है हम लोग इस तीनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है? 3i प्लस 4j,
बी कितना है माइनस आई प्लस टू जे, सी कितना है टू आई प्लस जे माइनस टू के। देख लो ये ए प्लस बी को हम लोग क्या बोल दिए आर। अब जो है थ्री आई माइनस आई टू आई प्लस टू आई यानी आर कितना आ गया तो फोर आई। जे देख लो फोर जे प्लस टू जे यानी सिक्स जे प्लस जे सेवन जे और के तो माइनस टू के है ना। अब इसमें कोई दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं, कह रहा यूनिट वेक्टर ऑफ आर बतलाओ तो क्या करें आर का पहले मैग्नीट्यूड निकालो तो आर का मैग्नीट्यूड फोर स्क्वायर सेवन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर देख लो कितना आ गया 16 प्लस 49 प्लस 4 यानी कि देख लो 16 प्लस 4 20 हो गया, ऐड कर दो इसमें 69 हुआ क्या 49 प्लस 20 69 हो गया। अब जो है ना हम लोगों को लिखना है कि आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ठीक है पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखें अभी सिखाए हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ आर तो वेक्टर आर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। वेक्टर आर कितना है 4i प्लस 7j माइनस 2k और आर का मैग्नीट्यूड कितना है तो अंडर रूट 69, बस यही आंसर हो गया ठीक ना। इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 4i प्लस 7j माइनस 2k, समझ गए। यूनिट वेक्टर लिखना तो मुश्किल काम है नहीं। अब हम लोग इसी में आगे सीखते हैं कि कोई भी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के लॉन्ग कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो कैसे समझेंगे कि वो कोप्लेनर है कि नहीं है ठीक ना। तो पहले इसको लिख लो। हाँ आगे जो अब बात सीखना, मान लो दो वेक्टर ए और बी है बीच का एंगल थीटा, अगर कहा जाए वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या हो। याद करो जब हम लोग कंपोनेंट पढ़ते थे ना, कंपोनेंट पढ़ते थे वेक्टर ए है यहां से परपेंडिकुलर डालें एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, इसी को ना हम लोग एक्स कंपोनेंट बोलते हैं नहीं। तो यहां से परपेंडिकुलर डाले इसको हम लोग, देखो अब इसका नाम एक्स रखते तब तो ये एक्स कंपोनेंट हो जाता, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कि यहां से यहां तक जो लेंथ है मान लो ये ओ है ये एम है ये एन है इसका नाम पी रखे। थोड़ा समझना, कोई पूछे कि ये ओ एन क्या है तो बोल सकते हो ना कि ओ एन जो है वो कंपोनेंट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी। जैसे यहाँ बोलते थे कि ए का कंपोनेंट है एलोंग एक्स एक्सिस तो वैसे ही यहाँ पर बोलेंगे कि ए का कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन में बी के एलोंग हो है ना। तो सोचो तो अगर हमसे कोई पूछे कि बतलाओ ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कितना होगा ओ एन कितने के इक्वल होगा, तो सोचो तो अगर कॉस थीटा हम लिखें तब बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ एन डिवाइडेड बाई ओ एम, तो देखो तो ओ एन कितना आ गया ओ एम इंटू कॉस थीटा है ना, ओ एम इंटू कॉस थीटा यही ओ एन को मुझे निकालना है। तो ओ एम मतलब क्या हुआ जी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा यानी वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कितना हो गया ए कॉस थीटा। समझ लो
यानी तुमसे कोई कहा ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या होगा, यानी तुमसे पूछ रहा है ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब थोड़ा सा देखो तो इसको हम ऐसे भी काम कर सकते हैं क्या, एक बात जानते हो ना, ए डॉट बी क्या होता है तो ए बी कॉस थीटा, या ए बी कॉस थीटा बोलो, चाहे इसी को हम लोग मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अरे बात एक ही ना है, फर्क थोड़े। यानी ए डॉट बी जो है ए बी कॉस थीटा, देखो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी लिखे तो कुछ गलत तो है नहीं। देखो तो ए कॉस थीटा कितने के इक्वल आ गया, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, थोड़ा समझना, इस b का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b, अगर इसी को तुम ऐसे भी लिख दो a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड b तो कोई फर्क नहीं, उसी मॉड b को ना ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखो कोई फर्क तो होता नहीं। यानी देखो तो जी क्या आ गया, थोड़ा समझना बढ़िया से, a cos थीटा है क्या, a cos थीटा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b, यानी a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में निकालना है तो पहले a डॉट b निकालो और उसमें डिवाइड कर दो b के मैग्नीट्यूड से। क्या सिखा है, a डॉट b निकालो और डिवाइड कर दो b के मैग्नीट्यूड से, क्या सही रहेगा क्या, तो जाहिर है बिल्कुल सही है, a डॉट b निकालो b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, हम लोग अब ये बात को सीख गए कि जब हमसे कोई पूछे ना ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या होगा तो हम समझेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालो और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसी को उल्टा कोई पूछे बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में क्या होगा, मतलब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालें, देख लो इससे परपेंडिकुलर डालें, यानी ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो सोचो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालना था तो ए कॉस थीटा निकालना था ना, अगर बी का कंपोनेंट निकालना होता ए के डायरेक्शन में तो उसका मतलब बी कॉस थीटा निकालना होता, तो सोचो अगर यहीं पर कोई बी कॉस थीटा पूछता तो ए डॉट बी में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते क्या। यानी देखो बात ऐसे ही याद रखना है, ए कॉस थीटा निकाले तो ये ए कॉस थीटा क्या निकला, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर b, और पूछा जाए कि अगर b cos थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो बोलेंगे b cos थीटा निकालोगे तब जो निकलेगा, देखो ध्यान से, अगर b cos थीटा निकालोगे तब जो निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a। थोड़ा समझ लो बढ़िया से, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालना है तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी, और अगर बी का ए के डायरेक्शन में निकालना है तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए। यही बात को याद रखना और इसको हम लोग यूज में कैसे लाएंगे इसको सीखते हैं, इसीलिए देखो ये नोट में बात को सिखाए हैं, तो पहले इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो। हाँ जी, तो देखे इस क्वेश्चन को, वेक्टर ए दिया हुआ आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, बी दिया हुआ है टू आई प्लस टू जे प्लस के, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, है ना। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि अगर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में पूछा जाए तो क्या करेंगे, देखो जी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर b क्या करें, तो बोलेंगे क्या a डॉट b निकालो और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक ना। देखो निकालना है कंपोनेंट किसका, a का, along b बोले ना तो b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। देखो जी डॉट प्रोडक्ट तो निकालने आता ही है, i को i से करोगे तो 2, 1 इंटू टू टू, फिर j को j से 4, k को k से माइनस 3, डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड निकालोगे 2a² + 2a² + 1a², थोड़ा देख लो बढ़िया से, ये 3 हो गया क्या, अब ऊपर क्या बचा जी, 6 - 3 = 3, ये तो संजोग ऐसा है कि हम लोगों को सीधे ही 1 ही आया है, यही आंसर हो गया।
वन ही हो गया आंसर। ये मत जाना कि हर बार आंसर वन हो जाता है, संजोग है इसमें आया, इसी के सेकंड पार्ट में कुछ और भी आएगा, है ना। तो देखो ध्यान से, मेथड समझ गया, कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी, तो ए डॉट बी निकाले, मॉड बी से डिवाइड कर दिए, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। लेकिन ये जो है ना, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आया लेकिन वन जो है ना ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म हुआ कंपोनेंट का। कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको समझना। अब आगे जो बतला रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने का रूल क्या है, पहले तो कंपोनेंट देख लो कितना आया, तो वन आया ना, तो वन आया, किसके डायरेक्शन में आया, अलोंग बी। तो जो कंपोनेंट आया ना, तुम्हारा जो कंपोनेंट आया, कंपोनेंट है ए डॉट बी बाई मॉड बी, यही ना आया, इसका वैल्यू कितना है वन, वो पुट कर लेंगे। और देखना किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। तो देखो अगर यही कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होता, मान लो कंपोनेंट आया वन और एक्स में आता तो वन आई बोल देते, वाई में आता तो वन जे बोल देते। ये है अलोंग बी, तो यहाँ बी का यूनिट वेक्टर लिखना होगा। ध्यान से देखो क्या रूल है, बी का यूनिट वेक्टर लिखो अगर अलोंग बी कहा गया, और इतना तो मालूम है ना कि इसका वैल्यू कितने के इक्वल आया है, वन, वन बी। और बी का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, तो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखने का रूल है कि उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो बी में मॉड बी से डिवाइड कर दो। खैर ये वन नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, तो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ये रिजल्ट वन ही आए, तो इसलिए केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं। देखो तो बी कितना है जी, तो बी है टू आई प्लस टू जे प्लस के। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो बी का मैग्नीट्यूड तो जान ही रहे हो, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर वन स्क्वायर। देखो तो कितना आ गया, तो ये आ गया वन बाई थ्री, देख लो थ्री ना, और ब्रैकेट में हो गया टू आई प्लस टू जे प्लस के। बस यही आंसर हो गया, याद रखो ये आंसर और ये आंसर दोनों एक ही हैं। चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, टू बाई थ्री आई प्लस टू बाई थ्री जे प्लस वन बाई थ्री के, जैसे भी लिखो, ये आंसर और ये आंसर एक ही है। बस फर्क है ये स्केलर फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में है। इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल करके देखो वो इसके इक्वल आता है कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बनाए। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में यही उल्टा है, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में बतलाओ। तो बहुत नया नहीं करना, वो काम तो आपसे हो जाएगा, फिर भी मैं करता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वी अलोंग ए, देखो अलोंग ए है तो ए डॉट बी निकालो और ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। अलोंग बी था तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए थे। अब थोड़ा सोचो, ए डॉट बी, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड वन स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, वन स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। देखो तो कितना आ गया, ऊपर में तो थ्री आ गया और नीचे में रूट फोर्टीन हो गया, यही ना, थ्री रूट फोर्टीन, यही आंसर हो गया, ये स्केलर फॉर्म हुआ। अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते, बोलते कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो देखो अभी मेथड क्या सिखाए थे कि जो कंपोनेंट आया वो लिख दो, डायरेक्ट लिख ही दो ना, थ्री बाई रूट फोर्टीन, यही ना आया, किसके डायरेक्शन में आया, ए के डायरेक्शन में, तो यहाँ ए का यूनिट वेक्टर लिख दो, जिसके डायरेक्शन में बात कर रहा उसका यूनिट। तो कैसे यूनिट वेक्टर हम लिखें, तो ए क्या है जी, तो आई
जानते हो ना यूनिट वेक्टर लिखने का क्या रूल होता है, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो 3√14 वेक्टर ए कितना आया है आई प्लस 2j माइनस 3k डिवाइडेड बाई 1² 2² - 3² फटाफट देख लो क्या आ गया जी, ये रूट 14 है क्या, ये भी रूट 14 है, 3/14 आई प्लस 2j माइनस 3k, बस यही हो गया आंसर, है ना। देखो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो वो इसी के इक्वल आएगा, कुछ भी अलग नहीं आना, ठीक है। तो चलो इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग इसी में आगे देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर को। पहले भी हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, जैसे पढ़े थे जीरो वेक्टर या उसी को नल वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये तीन टाइप बतलाए थे। आगे कुछ और टाइप जाने, जैसे है कोलिनियर वेक्टर्स, नाम से ही स्पष्ट है कोलिनियर मतलब एक लाइन पर जो वेक्टर हो, जैसे ही वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी, तीनों एक लाइन पर है, या यही एरो जो है अगर अपोजिट में भी दे दें, है ना, इधर भी अगर एरो दे देते तब भी तो है एक लाइन पे ही ना, देखो तो। तो जितना भी वेक्टर एक लाइन के लॉन्ग होगा वो सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर, ठीक ना। बोलेंगे हियर ए बी एंड सी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक। अब देखें इसी में कुछ बात जानिए नोट में, जैसे कोई भी दो पॉइंट होता है ना, दो पॉइंट का बात कर रहे हैं, दो वेक्टर का बात नहीं कर रहे, कोई भी दो पॉइंट कहीं भी ले लो, एक पॉइंट यहां ले लिए, एक यहां मिलाओगे तो एक लाइन पे आ जाएगा कि नहीं, कहीं भी दो पॉइंट लो एक लाइन पर होगा कि नहीं। यानी ये याद रखना है कि एनी टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, कोई भी दो पॉइंट होगा तो यह गारंटी है कि वो हमेशा कोलिनियर होगा। लेकिन जैसे तीन पॉइंट, जैसे मान लो यहां एक है, एक यहां है, एक यहां है, तो ये तीनों अभी तो कोलिनियर है, एक लाइन पर है, लेकिन तीन पॉइंट कोई जरूरी नहीं ना कि हमेशा कोलिनियर होगा, अगर बी यहाँ होता सी यहाँ होता तो देखो ये दोनों कोलिनियर है, ये दोनों कोलिनियर है, लेकिन तीनों तो कोलिनियर नहीं ना है। यानी थ्री पॉइंट्स का अगर बात होगा तो बोलेंगे वो कोलिनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन दो पॉइंट का अगर बात हो तो ये गारंटी है कि वो दोनों कोलिनियर होगा ही, ये पॉइंट के लिए बोल रहे हैं। दो वेक्टर हमेशा कोलिनियर नहीं होता, दो वेक्टर तो जब एक लाइन के लॉन्ग होगा तब कोलिनियर होता, ठीक है। अब देखो जी इसी में जानना कि टू पैरेलल वेक्टर्स, थोड़ा इसको समझना, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर जो है फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, मान लो ये फोर्स F1 है और एक दूसरा फोर्स F2 है वो भी इधर ही लग रहा है 5 न्यूटन, तो ये दोनों कोलिनियर हो गया कि नहीं, और दोनों पैरेलल भी हो गया ना। लेकिन अगर यही 5 न्यूटन यहाँ लग रहा हो, ठीक ना, 5 न्यूटन यहाँ ना लग करके यहाँ लग रहा हो, तो ये दोनों पैरेलल तो है लेकिन दोनों कोलिनियर नहीं है। यानी कि अगर फिक्स पॉइंट पे लग रहा हो फोर्स तो पैरेलल होने के बावजूद भी कोलिनियर नहीं लेते हैं। लेकिन वेक्टर में हम लोग स्टार्ट में पढ़े कि वेक्टर को पैरेलली एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है, तो अगर वेक्टर शिफ्ट होने के लिए फ्री है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सके,
तो उस केस में दो पैरेलल वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। ध्यान से सुने, दो पैरेलल वेक्टर क्या हमेशा कोलिनियर होता है? तो बोलेंगे कि देखो भाई, वैसे तो वेक्टर में रूल है कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो बी को यहाँ उठा करके ले जाओ, पैरेलल तो रख ही सकते हो, तो बतलाओ तो कोलिनियर हो गया कि नहीं। यानी कि अगर पैरेलल वेक्टर फ्री टू मूव हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए फ्री अगर हो, तब तो दो पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर कहेंगे। लेकिन अगर मान लो पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो फिक्स्ड है, एक 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है, एक 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है, तो पैरेलल होने के बाद भी वो कोलिनियर नहीं है। यानी बोलेंगे टू पैरेलल वेक्टर्स मे बी कोलिनियर, या कहो आर टेकन एज कोलिनियर, टेकन एज कोलिनियर इफ दे आर फ्री टू मूव। ठीक ना, मूव करने के लिए अगर फ्री हो। तो चलो इसका भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो कोप्लेनर मतलब क्या हुआ, जो एक प्लेन में वेक्टर, जैसे बोर्ड एक प्लेन है ना, तो इस बोर्ड पर जितना भी वेक्टर होगा, चाहे उसका डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बोर्ड पर जितना भी वेक्टर होगा सब के सब वेक्टर एक प्लेन में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक ना, सब के सब चूंकि एक प्लेन में है इसलिए वो कोप्लेनर वेक्टर है। तो देखो डिफिनीशन में लिखा हुआ कि ऑल वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन ए पर्टिकुलर प्लेन, कोई अगर एक पर्टिकुलर प्लेन में हो तो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। अब देखो, जैसे कोई भी तीन पॉइंट कहीं भी ले लो, तुम मिलाओगे तीनों को तो एक ट्रायंगल बनेगा ना। कहीं भी पॉइंट ले लो, एक हम इस दीवार पे ले लिए, एक छत पे ले लिए, एक जमीन, मिलाओगे तो एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, और ट्रायंगल एक प्लेन होता है कि नहीं। तो इसमें याद रखना है नोट में कि कोई भी तीन पॉइंट हो, ठीक ना, एनी थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक ना, वो हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। अब देखो जो आगे बात बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना। देखो कोई भी दो वेक्टर अगर लोगे ना, दो वेक्टर चाहे जैसे मर्जी हो, दो वेक्टर हम लिए ऐसे ना, ऐसे लो जैसे मर्जी लो, ऐसे भी रखोगे तो देखो तो एक प्लेन में है कि नहीं, ये दोनों पेन जो है एक प्लेन में है। अगर ऐसे भी रख दोगे तो प्लेन ऐसे हो गया। यानी कि कोई भी दो वेक्टर का बात हो ना, तो वो तो एक प्लेन में होता ही है। ठीक ना, तो हम लोग यही बोलेंगे कि एनी टू वेक्टर्स आर टेकन एज कोप्लेनर। समझना बात, कोई भी हम लोग दो वेक्टर ले, अब ऐसे लिए तो एक प्लेन बन गया, ऐसे लिए तो एक प्लेन बन गया, ऐसे लिए एक प्लेन बन गया, है ना, जैसे ऐसे लिए देखो ये प्लेन बन गया, अगर ऐसे रख दिए तो ऐसे प्लेन बन गया। यानी कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज टेकन एज कोप्लेनर। लेकिन अब इसमें भी तुमको कोई कह दे, अच्छा एक बात बताइए, एक वेक्टर जो है छत पर है और एक वेक्टर इस दीवार पे है, तो क्या इसको हम कोप्लेनर बोलेंगे? तो बोलेंगे कि देखो एक बात जानो, अगर वेक्टर फ्री टू मूव हो, तो अगर सपोज करो जो छत पर वेक्टर है उसको नीचे लाए और दीवार पर मान लो वेक्टर है ऐसे लाए, ठीक ना, पैरेलल तो मूव कहीं भी कर ही सकता है ना, और उस केस में अगर दोनों इंटरसेक्ट करें तो जाहिर है वो एक प्लेन में तो होगा ही। और जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं वेक्टर में कि वेक्टर्स आर फ्री टू मूव, उसको खुद के पैरेलल ना, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड
पैरेलल टू इट सेल्फ, अपने खुद के पैरेलल में, जैसे ये अगर वेक्टर है तो इसको पैरेलल रखते हुए कहीं भी शिफ्ट करा सकते हो। इसीलिए हम लोग दो वेक्टर को हमेशा कोप्लेनर मान करके चलते हैं, ठीक ना। अब जो है देखो जी, अगर हम लोग बात करें तीन वेक्टर का, देखो जी ये दो वेक्टर आ, ये हो गया तीसरा वेक्टर। देखो तो क्या ये कोप्लेनर है? ये दोनों कोप्लेनर तो है, ये दोनों भी कोप्लेनर है, ये दोनों भी कोप्लेनर है, लेकिन एक, हाँ अगर ऐसे हो, देखो इस तरह से ऐसे रख दिया तो कोप्लेनर हो गया कि नहीं। यानी अगर तीन वेक्टर का बात हो तो बोलेंगे तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है, ऐसे कर दिए तो कोप्लेनर नहीं भी हो, माने एक प्लेन में हो भी सकता और नहीं भी हो। लेकिन दो वेक्टर को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक प्लेन में कंसीडर करते हैं। तो क्या सीखे कोप्लेनर वेक्टर्स में, कि जितना भी वेक्टर हो जो एक प्लेन में हो, तुम्हारे कॉपी पे हो या बोर्ड पे हो, जिस जिधर भी उसका डायरेक्शन हो, जैसे देखो ये बोर्ड पर है ना, डायरेक्शन इधर हो, इधर हो, इधर हो, ये कोई मैटर नहीं रखता। जितना भी वेक्टर होगा, इस सब कैसा वेक्टर होगा, तो कोप्लेनर वेक्टर होगा, ठीक ना। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हम लोग डिफिनीशन बेस्ड एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। ध्यान से क्वेश्चन देखना और खुद से सोचना कि ये चारों में कौन ऑप्शन जो है करेक्ट है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर्स ए एंड बी आर कोप्लेनर एंड बी एंड सी आर कोप्लेनर। कह रहा है ए और बी कोप्लेनर है और बी और सी कोप्लेनर है। सोचो, माइंड में फिगर बनाओ, ए एंड बी आर कोप्लेनर, बी एंड सी आर कोप्लेनर। देन क्या होगा? पहला ऑप्शन ए एंड सी मे बी कोप्लेनर, यानी ए और सी कोप्लेनर हो सकता है। अगला कह रहा नहीं, ए बी एंड सी मस्ट बी कोप्लेनर, तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा ही। तीसरा कह रहा तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो सकता है। अब फोर्थ है नन ऑफ दीज। थोड़ा सोच लो बढ़िया से। कह रहा है ए एंड सी मे बी कोप्लेनर, सोचो तो ये जवाब सही है कि नहीं। तो तुम्हारे माइंड में आएगा बिल्कुल सही है, अभी ना आप बोले थे कि कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर होता है, तो ठीक है। ए एंड सी देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मे बी कोप्लेनर, ये मस्ट अगर होता ना तब ये सही होता, मे नहीं चल सकता है। मे कहने का मतलब क्या हुआ? मे कहने का मतलब कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब बोलो कोई अगर कहे कि तुम जो है इंसान हो सकते हो, तो तुम कहोगे ये सही जवाब है? बोलेंगे कि नहीं, इंसान हो सकते हो क्या? इंसान है ही, मस्ट वहां बोलना है, मे नहीं बोलना है। मे मतलब दोनों का पॉसिबिलिटी हो गया, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। यानी अगर लिखा हुआ ए एंड सी मे बी कोप्लेनर, माने कोप्लेनर हो भी सकता है, तो बोलेंगे ये बात बिल्कुल गलत है, हो भी सकता है नहीं, होना ही है, यानी मस्ट रहेगा तब ये सही होगा। अब चलो तो तुम कहोगे तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, ए बी एंड सी, देखिए मस्ट लिखा हुआ है, तो बोलेंगे ये बिल्कुल गलत है। थोड़ा बढ़िया से देखना, बोलेंगे क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी आर कोप्लेनर। देखो मान लो एक मिनट के लिए, इसको तुम ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, देखो ये एक प्लेन में है ना, एक कोप्लेनर है। कह रहा बी एंड सी आर कोप्लेनर, तो देखो मान लो ये सी हो गया, तो ए देख लो, ए भी दोनों कोप्लेनर है कि नहीं? ए और बी भी कोप्लेनर है, बी और सी भी, क्या तीनों कोप्लेनर है? तीनों क्या एक प्लेन में है? नहीं ना। मतलब कि ए और बी कोप्लेनर हो और बी और सी कोप्लेनर हो, उससे तीनों कोप्लेनर हो जाए जरूरी है क्या? हाँ हो भी सकता है। कैसे? देखो अगर ऐसे रहता तो बोलते ना ए और बी कोप्लेनर, बी और सी कोप्लेनर, बोलो तीनों कोप्लेनर हो गया कि नहीं। यानी कि सही जवाब ये होगा कि ए बी एंड सी मे बी कोप्लेनर, मस्ट नहीं। लेकिन अगर दो वेक्टर का बात हो तो क्या होना चाहिए? मस्ट। उम्मीद है जवाब समझ गए होंगे आप लोग।
इसको नोट्स करो। तो हम लोग इसी में आगे देखते हैं टाइप में पोलर वेक्टर। देखो पोलर वेक्टर किसको बोलते हैं, या एक तरह से इसको रियल वेक्टर भी हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे ए से बी तक पार्टिकल गया, तो देखो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, या कोई ऑब्जेक्ट पर तुम फोर्स अप्लाई किए, तो किसी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किए, तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि इट हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन। जैसे इस पॉइंट पर हम फोर्स को अप्लाई किए, तो इस तरह का जो वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोलर वेक्टर बोलते हैं। और ये जो है ना लीनियर एक्शन होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे तो ऐसे रोटेट करा के नहीं लगाते हैं, रोटेट कराने पे उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, आगे वो एक्सियल वेक्टर में सीखेंगे जब रोटेशन मोशन का इफेक्ट। तो फिलहाल वैसे तो हम लोग एक्सियल वेक्टर या सीडो वेक्टर वो सब सर्कुलर मोशन में ज़रूरत पड़ता है, जहाँ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सलेशन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन बस सिंपल वे में जानो कि इसके एग्जाम्पल में हो गया डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे पोलर वेक्टर। अब देखो इसी में एक टर्म है आगे एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर को ही हम लोग सीडो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक ना, इसी को हम लोग सीडो वेक्टर भी बोलते हैं। देखो सीडो मतलब होता है एक तरह से फॉल्स, ठीक ना, एक इमेजिनरी टाइप से। हालांकि देखो कुछ कुछ बात जो है ना वो जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उसी चैप्टर में हम लोग बेहतर समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी का, तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों को पढ़ना है सर्कुलर मोशन में, और अभी जो है बहुत प्रॉपर वे में समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको बतला दें पहले तो कि जिस वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक ना, इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर या सीडो वेक्टर। देखो जी जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे स्क्रू रूल सिखाए थे, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हम लोग आउटवार्ड लेते हैं। जैसे समझो यहाँ सेंटर पर ऐसे एक्सिस है, सीलिंग फैन को ही देखते हो ना, फैन का ब्लेड ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होता है, तो वैसे ही समझो कि ये सीलिंग फैन है ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो पूछा जाए कि उसका एंगुलर वेलोसिटी किधर डायरेक्टेड होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो आउटवार्ड बोलते हैं, और क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा हो तो इनवार्ड बोलते हैं। या थोड़ा बहुत ही सही हम टॉर्क के बारे में बतलाए थे, जैसे टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पे जो हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं वो भी स्क्रू रूल को ही ना फॉलो करता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो इसलिए हम लोग टॉर्क को भी आगे चल के एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस मोमेंटम। हालांकि ये सब बात जो है ना पढ़ना रोटेशन चैप्टर में है, क्योंकि चर्चा हो गया है टाइप्स ऑफ वेक्टर का, तो बस जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, थोड़ा दिक्कत भी हो तो कोई बात नहीं है, आगे उसको समझ जाओगे। फिलहाल इतना जानो कि जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है ना, घड़ी के उल्टा चल रहा है, और तुमसे कोई पूछे कि बतलाओ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा,
तो एंटी क्लॉकवाइज है ना तो बोलेंगे आउटवर्ड, और यही अगर क्लॉकवाइज रहे, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे तो आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज अगर रहे तब हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्ड। यानी इसके एग्जाम्पल में आप समझ लें, अभी वो सब चर्चा तो करना बेकार है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, कहो टॉर्क है, ये सब एग्जाम्पल है किसका, एक्सियल वेक्टर का या सीडो वेक्टर का, है ना, जो एक्सिस के अलोंग हो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। थोड़ा सा ऐसे समझ लो जैसे सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन घूमता है और एक एक्सिस लटका हुआ रहता है ना उसी के चारों ओर घूमता है, तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सलेशन जब भी होगा तो उस एक्सिस के ही अलोंग होता है, तो वैसे वेक्टर को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखो जी, अगर दो या दो से ज़्यादा दो वेक्टर तो कोप्लेनर होता ही, दो से अगर ज़्यादा वेक्टर हो, मान लो तीन वेक्टर है, और कहे क्वेश्चन में ना कि हम कैसे समझेंगे कि तीनों कोप्लेनर है, तो जैसे वेक्टर ए, तो मान लो वेक्टर ए है ए एक्स आई ए वाई चे ए जेड के, वेक्टर बी जो है बी एक्स आई बी वाई चे, जे कैब बोलते हैं उस सब में कैब रहता है, शॉर्ट में जो है कैब नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना, बी जेड के। इसी तरह से मान लो वेक्टर सी है सी एक्स आई सी वाई चे सी जेड के, ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है कि नहीं है ये कैसे पता लगाएंगे। तो देखो इसमें एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो झूठ मूठ के उलझा करके नहीं रखना चाहते हैं कि और भी जो है बहुत कुछ सीखना है, तो इसी में हम उलझे हुए न रहें, तो हम डायरेक्ट कुछ बात बता रहे हैं। देखो जब भी ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट ए क्रॉस सी या सी डॉट ए क्रॉस बी जीरो हो, ठीक ना, देखो एडवांस में वेक्टर पढ़ोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, और सही बात तो ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने पर एक टर्म होता है पैरलेलो पाइपड, उसका वॉल्यूम निकलता है, लेकिन हम उसमें उलझा करके नहीं, क्योंकि फिर वो लेंदी हो जाएगा, फिर उस टॉपिक पे मुझे जाना पड़ेगा। अब ये समझना है कि हम जस्ट लाइक एक ट्रिक सिखा रहे हैं कि जब भी ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू जीरो हो, चाहे बी डॉट ए क्रॉस सी का वैल्यू जीरो हो या सी डॉट, तब समझ लेना कि ये तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर होगा, है ना। क्या बोले, तीन वेक्टर अगर दिया हुआ तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो देखो तरीका तो तुम्हारे पास है ही, पहले बी क्रॉस सी निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है, और उसका डॉट ए से निकाल के जीरो के इक्वल कर दो, या देख लो कि जीरो आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया जीरो तो कोप्लेनर है। ऐसे एक ट्रिक बतला दे रहे, ए डॉट बी क्रॉस सी को निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या है, तो यहाँ लिख दो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक ना, याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाते समय सिखाए थे, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसी को सॉल्व करो, ठीक ना, इसी को सॉल्व करो, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये सिखाए हुए हैं, फिर एक बार सिखा रहे हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी,
सबसे पहले क्या करो, एक्स को लिख लो, ठीक ना, एक्स को लिख लो, बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, ठीक ना। क्या सिखाए थे, पहले एक्स को लिखो और इस लाइन को भूल जाओ, बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड। सेकेंड स्टेप में आगे माइनस लिखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट दो और माइनस लिखो और पहले ए वाई को लिख दो और अब ब्रैकेट दो। देखो पहले एक्स को लिखे थे, अब ए वाई को लिख दिए, इस लाइन को भूल जाओ, बी एक्स सी जेड माइनस सी एक्स बी जेड, है ना। और तीसरे स्टेप में फिर प्लस लिखो ए जेड, और तीसरा लाइन को इस कॉलम को भूल जाओ, बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई, एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो, ठीक ना, फॉर कॉप्लेनर वेक्टर्स, ठीक ना, कॉप्लेनर वेक्टर्स के लिए इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो। अगर ऐसा है तब तो ये कॉप्लेनर है, मतलब जीरो आ रहा है तब तो कॉप्लेनर है, नहीं है तब तो कोई बात नहीं। देखो कुछ बात समझा दे रहे हैं, एक्चुअल में जितना भी पहले का टेक्स्ट बुक देखेंगे या अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी देखेंगे तो इस तरह से जो है संजोग से ही कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन चूंकि बुक्स जब आप बनाएंगे तो जो भी न्यू बुक आता है ना उसमें राइटर के बीच आपस में ऐसा कंपटीशन रहता है कि हर कोई चाहता है कि हम अपने बुक में जो है कुछ डिफरेंट बातों को लिखें, जिससे कि स्टूडेंट को ये लगे कि मेरा जो बुक है वो ज़्यादा हाई लेवल का है। टीचर्स के बीच भी होता है, जैसे मान लो हमको एक एग्जाम्पल सिखाए, कोई जो है उसी के 10 एग्जाम्पल के सिखाने लगेगा, कुछ और डिफरेंट करने की कोशिश करता है। देखो एक बात बता रहे हैं, हालांकि सही बात तो ये है कि मैथमेटिक्स में जो वेक्टर्स पार्ट है उसमें ये सब का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन बहुत से बुक में मिल जाएगा, जो न्यू बुक जो है नए हर साल जो प्रिंट होते रहता है नया, उसमें ये सब क्वेश्चन मिल जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये जवाब दे रहे हैं कि आगे हम सिखा ही रहे हैं कुछ। देखो और कुछ बात बता रहे हैं, जैसे रेसनिक एंड हेलीडे बुक, अब उसमें एक वेक्टर में क्वेश्चन डाल दिया, क्या भाई, एक आदमी जो है वाशिंगटन से मनीला चला गया एरोप्लेन से, और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिया। अब सोचो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उस सब के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को प्रॉपर्ली समझना, और वो अपने आप में ही एक अलग पार्ट। लेकिन अब उसमें हम उलझ करके, जिसका मुझे कोई यूटिलाइज भी नहीं है, और एक चीज़ जान लो, दुनिया का पूरा फिजिक्स जो है ना वो एक वेक्टर में ही नहीं पढ़ लेंगे, और दूसरी बात ये भी है वेक्टर में क्या 11th 12th में ही नहीं पढ़ लेंगे, एक फिजिक्स से 14-15 इंजीनियरिंग का ब्रांच निकला हुआ है, और एक ब्रांच में जो स्टूडेंट है वो मिनिमम 4 ईयर्स पढ़ता है। तो सोचो क्या पूरे जो है, अगर हर ब्रांच को हम लोग पढ़ें तो 60 साल पढ़ने में लगेगा, 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स का बाद क्या आदमी 1 साल और 1.5 साल में और 2 साल में सीख जाएगा, नहीं। इसलिए जो हमारा सिलेबस का लिमिटेशन है उसको फॉलो करना है, नहीं तो कितने बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा तेज होने के चक्कर में हम उलझ जाते हैं, है ना। अगर ऐसे सोचो कि कोई स्टूडेंट अगर 6th क्लास में पढ़ रहा हो और वो एग्ज़ाम दिया और उसको एग्ज़ाम में मान लो 90% मार्क्स आया, वो कहा कि जब तक 100% मार्क्स नहीं आएगा हम 7th में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको हर क्लास में 100% लाना है, तो तुमको क्या लगता है उसको नसीब में 6th क्लास तक पढ़ना लिखा था, उससे वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, मतलब बढ़ना है, ठीक ना। तो इसलिए चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन बता रहे। देखो कोप्लेनर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए तो कैसे पूछा जा सकता,
कह दिया गया तीन ठो वेक्टर है ए बी सी, ये बतलाओ एन का वैल्यू हम क्या लें जिससे कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो। कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीखे हैं कि देखो भाई ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, और निकालने के लिए एक ट्रिक भी बता दिए। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट तो टू वन टू, वेक्टर बी के लिए वन वन थ्री वन वन थ्री, अब वेक्टर सी के लिए एन टू वन। कहा जा रहा है कि एन का वैल्यू क्या लिखें कि ये कोप्लेनर हो, तो जान ही रहे हो कोप्लेनर होने के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो टू को पहले लिखो, ब्रैकेट दे दो, वन इंटू वन माइनस टू इंटू थ्री, सेकेंड स्टेप में माइनस वन लिख दो, ब्रैकेट दे दो, ये वाला लाइन भूल जाओ, वन इंटू वन माइनस एन इंटू थ्री, थर्ड स्टेप में टू लिख दो और ब्रैकेट दो, इस लाइन को भूल जाओ, वन इंटू टू माइनस एन इंटू वन। ठीक है, समझने के लिए सीखिए हैं। और ये जो है कितने के इक्वल होना चाहिए, जीरो के। आओ सॉल्व करते हैं, देख लो ये वन माइनस सिक्स यानी माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन माइनस वन प्लस थ्री एन, यहाँ क्या हो गया फोर माइनस टू एन इज इक्वल टू जीरो, देख लो। तो माइनस टेन माइनस वन माइनस इलेवन और प्लस फोर, माइनस इलेवन प्लस फोर करेंगे तो माइनस सेवन हो गया, और टू एन सॉरी थ्री एन माइनस टू एन ये एन हो गया इक्वल टू जीरो। देखो तो एन का वैल्यू सेवन हो गया क्या, यही हो गया आंसर। ठीक ना, तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है हम लोग वेक्टर में लगभग जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम था कोशिश किए हैं कि हर तरह का कंसेप्ट दें। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो जिक्र करना इस तरह से मुश्किल भी है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो इनफाइनाइट होता, वो तो कभी ख़त्म होता नहीं। हाँ, कंसेप्ट जो सिखाया गया और जो ज़रूरत था उसके अकॉर्डिंग बातों को बताया गया है। आपको जो है करना अब क्या है, देखो कोई भी चैप्टर जब एंड हो तो करना क्या है, पहले तो जो भी बात हम सीखे उस चैप्टर में उसका एक शॉर्ट नोट्स मेरे पास होना चाहिए, जिसको खुद के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। कोई आपको दूसरा बनाएगा ना तो उतना बेहतर वो नोट्स हो ही नहीं सकता है। सोचो ना, अगर एक ही क्लास में पढ़ते हो और कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा क्लास छूट गया और तुम दूसरे स्टूडेंट के कॉपी लेकर के लिखते हो, कभी उतना कॉन्फिडेंस आता, उतना बेहतर समझ में आता है? यानी नोट्स अपना होना चाहिए, टीचर का भी नहीं है ना, नोट्स अपना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और क्या करेंगे, जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट डे क्या क्या पढ़े, तो पढ़े ना कि वेक्टर का डिफिनीशन, तो शॉर्ट में लिख लिए कि जिसमें मैग्नीट्यूड। अब देखो, अब शॉर्ट नोट्स बनाना है ना, वेक्टर, वेक्टर किसको बोलते हैं, तो शॉर्ट में लिख लिए मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, है ना। और अगर ज़्यादा थोड़ा सा बहुत और डिटेल में लिखना है तो एंड ओवे वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो एक एक लाइन में डिफिनीशन हो गया ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉलोज ट्रायंगल ऑफ एडिशन, बस हो गया। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का शॉर्ट नोट्स, वेक्टर ए है बी है एंगल थीटा है, चलो बी को यहाँ लाए, ये रिजल्टेंट हो गया, फॉर्मूला क्या होगा रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये वाला एंगल क्या होगा, तो टेन अल्फा सिखाया गया था, है ना, जो भी बात, यानी स्टार्ट से पढ़ेंगे और उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब मुझे चैप्टर को रिवाइज करना होगा तो बस हम देखेंगे ना
तो देखते ही लगेगा कि हाँ ये सब बात मुझे याद है। एक चीज़ जानना, हमेशा जो है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कहा जाता है कि तुम्हारे पास टैलेंट भरा हुआ हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो जानो बिना कॉन्फिडेंस के आदमी जो है ना बहुत काम का नहीं रह जाता है। वो हरदम अंदर से घबराया हुआ रहता है। सब कुछ उसको आ रहा है, नॉलेज भी है, लेकिन डरा हुआ है, पता नहीं क्या पूछ दिया जाएगा, क्या पूछ दिया। तो कॉन्फिडेंस आए कैसे? सोचो, ये मान लो एक मिनट के लिए, देखो दो तीन फैक्टर है, इसको समझ लेना बढ़िया से। जैसे एक तो तुम्हारे पास नॉलेज होता है, उससे कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन केवल नॉलेज से नहीं होता है। क्या क्या चीज़ें जरूरी है? एक नॉलेज होना चाहिए, यानी कंसेप्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है, तुम में डेयरिंग पावर होना चाहिए कि उस नॉलेज को तुम इम्प्लीमेंट कर सको, एक्सक्यूट करने की क्षमता भी होनी चाहिए और हिम्मत भी होना चाहिए। बहुत लोग के साथ होता है ना कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सक्यूट करने के पहले वो इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वो कुछ आगे कर ही नहीं पाते हैं। और तीसरी जो बात है ना, वो तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर मेरा कोई एक प्रयोग असफल हो गया, अब एक हम मान लो यान को भेजे अंतरिक्ष में, स्पेस के लिए मान लो हम लोग भेज दिए एक यान को, और अब ऐसा हो कि वो नहीं पहुंच पाया, तो हम क्या कहेंगे कि अब हम समझ गए हैं कि पहुंचना संभव नहीं है? नहीं। तो देखो, पेशेंस जब लूज करेंगे ना, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक अचीव नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है कि पहले तो हम कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ें कि हर बार मुझे ऐसा लगे ना कि वो चैप्टर याद है। कांड की जानते हो, जब 10 चैप्टर आगे बढ़ जाओगे ना, 11वां चैप्टर पढ़ रहे हो तो लगता है कि अरे फर्स्ट चैप्टर तो भूल गए हैं, अगर एग्जाम में फर्स्ट से आ जाए तो। कारण कि जो तुम पढ़ रहे होते हो वो चैप्टर ही तुम्हारा सबसे अच्छा रहा होता है, और शुरुआत वाला बात जो है अक्सर हम लोग भूलते जाते हैं। बस यही तो काम करना है, याद रखना। कहा गया है ना कि जो सफल लोग हैं ना, वो कुछ नया काम नहीं करते हैं, बल्कि उसी सेम वर्क को नए तरीका से करते हैं। वो इतने अच्छे से करते हैं ना कि उनको फिर बहुत स्ट्रेस भी नहीं होता है, वो अक्सर आत्मविश्वास में होते हैं, ठीक ना। तो देखो करना क्या है, अब ये वेक्टर जो भी पढ़ लिए हैं इसको भूलना नहीं है। तो कैसे नहीं भूलें? तो अब अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, तो हमारा जो शॉर्ट नोट्स होगा उसको रिवाइज करेंगे। बीच बीच में जो जो प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम जैसे ट्राई कर लो, मान लो एससी वर्मा के बुक बना लिए, सपोज करो अगर बेसिक बुक एम करीम का भी हो वो भी सपोज करो तुम ट्राई कर लिए, आप मान लो एडिशनल तुम अरिहंत का बुक लिए हुए हो उसका भी सपोज करो तुम क्वेश्चन बना लिए, लेकिन उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना जो तुमसे एक अटैम्प्ट में नहीं बना होगा। तो जितना एक से ज़्यादा अटैम्प्ट में बना या टीचर के बताने पर बना, खुद से नहीं बना, उसके लिए एक मार्किंग कर लेना, ठीक ना, डबल डॉट या ट्रिपल डॉट। अगर दो ट्राई में बना है तो दो बार डॉट लगा देंगे। टीचर से पूछने पर बना है उसको स्टार कर देंगे। तो क्या होगा कि जब चैप्टर रिवाइज करना होगा ना, तब हर क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, जो जो हमको एक से ज़्यादा प्रयास में बना है या जो जो मुझे टीचर से पूछना पड़ा है, बस केवल उसी को देख लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। और हमेशा ये याद रखना है कि इतना जल्दीबाजी में नहीं होना है कि चले जा रहे हैं और भटक गए कि जाना कहाँ है, ठीक ना। अक्सर लोगों के साथ यही होता है, वो बोलते हैं अभी एक ही चैप्टर, यार एकदम हमको तो बहुत फास्ट भागना है। अब फास्ट भागते गए और पीछे से जो है ना मिस करते गया सब बात, लास्ट में पहुंच भी गए अंतिम तक और उनका डिस्प्लेसमेंट 0 के 0 हुआ, क्योंकि पहले भी वो गायब हो गए थे, लास्ट जाते जाते सब चीज़ गायब हो। इतना भी तेज़ी में नहीं रहना है। कहा गया है कि मध्य मार्ग जो है ना, मिडिल पाथ जो है वो बेस्ट पाथ है, मतलब मुझे बैलेंस्ड बना के रखना है। हम जो टॉपिक को पढ़ चुके हैं, 2 कदम कम चलेंगे लेकिन इतना सॉलिड चलेंगे कि जितना चले हैं ना उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है ना। इस बात को हमेशा याद रखो। तो बस वेक्टर पढ़ लिए हैं,
हम अपने तरफ से कोशिश किए हैं कि भाई देखो ऑनलाइन के थ्रू बताना है, जितना भी एकदम डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है, मेरे सामने बैठे नहीं हो कि अब हम क्या क्या और तुम्हारा दिक्कत है, मैं अपने आधार पे जो मुझे लगा कि जो तुम्हें दिक्कत हो सकता है उन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेनेशन किया है और वेक्टर के क्लास को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। अब तुम लोग मन लगा के स्टार्ट से पढ़ना। इसके अलावे देखो डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का 3 लेक्चर दिया हुआ है, उसको भी इसके बाद पढ़ लेना। तुम चाहे अपने ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ो, है ना, मान लो शहर नहीं आ सकते हैं, दूसरे शहर में हैं आप मुझे देख रहे हैं, है ना, तो आप वहीं पे पढ़ो, लेकिन वो सब लेक्चर देखे रहोगे ना तो वो तुम्हारे लिए हेल्पिंग ही होगा, बेहतर ही होगा। हमने हमेशा कोशिश किया है कि कंसेप्ट को इतना ईजी वे में सिखाएं कि दिक्कत ना हो, कोई भी स्टूडेंट पढ़े। देखो साइंस का काम क्या है, साइंस जो है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी बनाता है। हम चाहें तो यही सब बात को बहुत फास्ट पढ़ा सकते हैं और ऐसा पढ़ाएं कि कुछ नहीं समझ में आए, तो क्या मेरा रोल यही है? मैं टीचर हूं तो मेरा रोल ये है कि हम चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी इतना सिंपल करके पढ़ाएं कि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। चलो धन्यवाद।